मोरबी जिले में स्वास्थ्य विभाग ने बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग शुरू की है, जिसमें शुक्रवार को ली गई रिपोर्टों में से 9 नकारात्मक आई हैं, जबकि शनिवार को रिपोर्ट के लिए 208 अन्य नमूनों की प्रतीक्षा की जा रही है। इसलिए आज मोरबी पत्रकारों के लिए नमूने लेने की योजना थी और मोरबी से पत्रकारों के नमूने जामनगर भेजे गए हैं, जिसका पत्रकारों को बेसब्री से इंतजार है। मोरबी जिले में कोरोना का एक और सकारात्मक मामला पिछले रविवार को वांकानेर में दर्ज किया गया था और बाद में सिस्टम ने एहतियात के तौर पर बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग आयोजित करके अधिक नमूने लेने की योजना बनाई। कुल 203 नमूने लिए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट रविवार को दी गई थी, जो आज शाम तक आ जाएगी। इसलिए आज लोग लगातार खबर लेने के लिए मैदान में दौड़ रहे हैं। मोरबी सिविल अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर पी के दुधरेजिया के निर्देश और RMO डॉक्टर के आर सरद्वा के मार्गदर्शन में मोरबी के पत्रकार मित्रों की स्वास्थ्य जांच की गई, जिसमें मोरबी की प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेब पोर्टल के 20 से अधिक पत्रकारों के नमूने लिए गए हैं और नमूनों को जामनगर भेजा गया है। डॉक्टर AD टैंक, डॉक्टर भूमि कक्का सानिया, डॉक्टर जितेंद्र भाई मिश्रा, अप्पू केला, KD चरोला, भट्टी इरफान, रुसांग वैष्णवी, नीलेश परमार, भुटिक मावड़िया सहित टीम ने सराहनीय सेवा कार्य की। मोरबी से संवाददाता जनक राजा की खास रिपोर्ट। अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट गुजरात की जो गाइडलाइन है, अभी सिचुएशन जो है वो स्टेबल लग रहा है और जो पब्लिक को अभी ये इम्पोर्टेंट 3-4 चीज़ें वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जैसे कि मास्क का यूज़ करना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी एटिकेट, ये सब अपने एक लाइफ का एक पार्ट बनाना चाहिए और इसके साथ ही हमें मतलब हमारी रूटीन एक्टिविटी करना है। तो ये उसका अभी तक कोई वैक्सीन नहीं मिला है अभी तक, तब तक तो ये कंपलसरी है, ठीक ना, अपनी सेफ्टी के लिए और सोसाइटी के सेफ्टी के लिए ये बिल्कुल अटमोस्ट नेसेसरी है। चाहते हैं और कई सारे लोगों को मिलने का उसका होता है, तो ये हमने ये तय किया कि ये सोसाइटी का इम्पोर्टेंट एक ग्रुप है तो उसका भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाए। तो आप जानते हो कि सौराष्ट्र में मोरबी डिस्ट्रिक्ट में अभी 2 पॉजिटिव केस है, अमरेली में 1 केस है, सुरेंद्रनगर में 4 है। तो यहाँ अभी COVID-19 का इतना संक्रमण नहीं हुआ है। तो आज जनरल हॉस्पिटल मोरबी में तो मोरबी डिस्ट्रिक्ट के सारे जो मीडिया पर्सन है उसको यहाँ इनवाइट किया और सभी को और स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए मोटिवेट किया और उस एक तरफ से उसको ये एश्योरेंस भी मिल जाता है। तो अभी 22 के आसपास मीडिया पर्सन का टेस्टिंग हुआ है, उसका सैंपल हम कल जामनगर भेजेंगे और कल शाम तक उसका रिपोर्ट मिल जाएगा। हमारी YouTube चैनल CNCCTV News को सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन ताकि हमारी खबरें सबसे पहले पहुंचे आप तक।